हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डुगू किचन एंड ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही मज़ेदार से वेज रोल। ये वेज रोल बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है, बड़ों के लिए भी ये बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं बिना देर किए। अब सबसे पहले हमें कुछ सब्जियाँ काट लेनी है, जैसे कि शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, पत्ता गोभी, प्याज और गाजर, और इसी के साथ बारीक कटे हुए कुछ लहसुन की कलियाँ। इनमें से अगर कुछ सब्जियां नहीं हैं तो कोई बात नहीं, जितने आपके पास अवेलेबल हैं उतने में ही बहुत ही हेल्दी सा स्वादिष्ट वेज रोल बनेगा। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल को गर्म करेंगे 2 से 3 चम्मच, और इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन, और इसी के साथ हमने जो मिर्च काट ली है उसको भी डाल देना है। मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च को लंबाई में काट के लिया है। इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए गाजर। आप हो सके तो सब्जियों को इसी तरीके से लंबाई में पतले पतले टुकड़ों में ही काटिए, इससे बहुत ही अच्छे से ये पक जाएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे देखने में भी और खाने में भी। तो गाजर को मैंने हल्का सा भून लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी, क्योंकि पत्ता गोभी को भी हमें सॉफ़्ट करने में टाइम लगेगा। हमें बहुत ज़्यादा इनको सॉफ़्ट भी नहीं करना है, हाई फ्लेम पर हमें थोड़ा थोड़ा इनको चलाते हुए भून लेना है, क्योंकि इनको हम हल्का सा ही पकाएंगे, ये क्रंची बने रहें, इसलिए ज़्यादा सॉफ्ट हम इनको नहीं करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च। प्याज और शिमला मिर्च भी मैंने लंबाई में ही काट लिया है पतले पतले टुकड़ों में। इनको भी हम 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे चला करके भुनेंगे, पका करके सॉफ्ट करेंगे। अब इसी बीच हमने जो टमाटर काट के रखा था उसको भी मिला लेना है। आपके पास जितनी भी सब्जियाँ अवेलेबल हों ज़्यादा से ज़्यादा मिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होगा खाने में। तो सभी सब्जियों को मैंने 1 से 2 मिनट चला करके फिर इसमें मिला लिया है नमक। नमक हम थोड़ी ही डालेंगे इसमें, क्योंकि हम आगे चल के सॉसेज का इसमें प्रयोग करने वाले हैं जिनमें नमक होता है। तो मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच ही नमक डाल करके 2 मिनट तक इसे चलाया। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटो केचप, चिली सॉस, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर सोया सॉस भी मिलाया है लगभग 1 छोटा चम्मच। आप यहाँ पे रेड चिली सॉस भी मिला सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ध्यान रहे हमें मिर्ची का प्रयोग कम करना है, इसलिए हम ज़्यादा तीखा इसे नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट इन्हें चला करके पकाया है। तो अब हमारी वेज रोल बनाने के लिए सब्जियाँ पक के तैयार हैं। गैस को हमें ऑफ़ करना है और इसे ठंडा कर लेना है। और अब हमें जो आटा गूंथ के रखे हैं उसकी बड़ी सी लोई बनानी है, और उसको सूखा आटा से डस्ट करते हुए बेल लेना है। मैं यहाँ पे रोल बनाने के लिए गेहूं के आटे का प्रयोग कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे चाहे तो मैदे से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा बच्चों के लिए हेल्दी है मैदे की अपेक्षा, इसलिए मैंने इसे गेहूँ के आटे से ही बनाया है। और ये देखिए, बड़ा सा और पतला सा मैंने इसे बेल लिया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ और भी रोटियों को बेल लिया है। जितनी हमें वेज रोल बनानी है उस हिसाब से हम रोटियों को बेल के पहले तैयार कर लेंगे। और ले चलते हैं इनको अब तवे पे सेकने के लिए। तो गैस पे मैंने तवे को अब गर्म कर लिया है, इस पे हमने जो रोटी बेल के लिए है उसको डालेंगे, और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। इसको उलट पलट करके दोनों साइड से हल्का हल्का सेकेंगे, और इस पे हम घी या फिर तेल हल्का सा लगाएंगे ऊपर से। दोनों साइड हमें इसे लगा करके हल्का हल्का दबाते हुए सेक लेना है। बहुत ज़्यादा इसको हम नहीं सेकेंगे, हल्के हल्के, जब इसमें चित्तियाँ पड़ने लगे तब हम इनको सेक करके हटा लेंगे। ये वेज रोल की रेसिपी बच्चों के टिफ़िन के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है। इसे हम चाहे तो पहले रोटियों को सेक करके रख सकते हैं कुछ देर के लिए, 2 से 4 घंटे के लिए, और कभी भी बच्चों को रोल बना के दे सकते हैं खाने के लिए। टेस्टी तो ये होती ही है, बहुत ही हेल्दी भी होंगी। अगर बच्चे आपके कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं नहीं खा रहे हैं, तो इस तरीके से उन्हें बना करके आप रोल में दे देंगे तो वो आसानी से खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ रोटियों को सेक लिया है। अब चलते हैं हम रोल बनाने की तैयारी करने। मैंने यहाँ पे 3 से 4 रोटियां रोल बनाने के लिए सेक ली हैं। अब हम सबसे पहले इस पे लगाएंगे पिज्ज़ा सॉस। अगर आप पिज्ज़ा सॉस नहीं लगाना चाहते हैं तो टोमेटो केचप लगाइए। इस पे हरी वाली चटनी भी लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों को दे रहे हैं तो तीखा ना बनाएं, इसलिए हम केचप भी लगा सकते हैं। तो अब हम इस पे सॉस लगाने के बाद सब्जियां बनाई हुई रखेंगे, और कुछ हरी सब्जियां भी, जैसे कि प्याज के कुछ टुकड़े और टमाटर भी इस पे रख सकते हैं। इसको रोल कर लेंगे, बहुत ही आसानी से ये रोल हो जाता है, और हमारा ये हेल्दी सा वेज रोल बनके तैयार है खाने के लिए।
ये देखिए कुछ इस तरीके से। बच्चे हो या बड़े, किसी को भी आप ऐसे रोल बना के देंगे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। तो यहाँ पे मैं इसको बीच से इस तरीके से कट करके दिखाती हूँ, ये कितने अच्छे दिख रहे हैं बीच से भी। अगर आप टिफ़िन बॉक्स में रख रहे हैं तो इस तरीके से कट करके भी रख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा सा हमारा वेज रोल बन के तैयार है खाने के लिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।